नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं एनी टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सिद्धार्थनगर से देखें ब्रिजेश पांडे की पहली खबर। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर रमेश कुमार गौतम को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर बैठक कर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक के दौरान जिला उपाध्यक्ष शमीम अहमद ने कहा कि आने वाले 29 अगस्त को सिद्धार्थनगर में स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक और कैडर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी कैडर की समीक्षा की जाएगी। हमारे कार्यकर्ता में बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, चाहे वो पद पर हूँ या पद पर ना हूँ या पद पर, सारे लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करूँगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप पर हुआ जानलेवा हमला। जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान मामूली बात पर एक युवक ने किया अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। बाल बाल बच्चे अजय प्रताप। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक व्यक्ति की गुंडागर्दी देखने को मिली। एसपी ऑफिस में खुली गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। एक सत्यप्रकाश शुक्ला जी आए, उन्होंने हमें 3000 रुपए सुनार से दिलवाए थे, हमारी स्कूटी बननी थी। आए, हमारा गले में अंगूठा पड़ा था, ये पकड़ लिया, बोले चलो एसपी साहब के पास चलते हैं। तो हमने कहा चलो हम पैसे दे देंगे, छोड़ो, इसी पे बातचीत हो गई, आपसी बात है बस। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद में एक महिला के साथ पीवीआर सिनेमा में हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि 3 सिक्योरिटी गार्ड ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत महिला ने पीवीआर के मैनेजर और पुलिस से की। आरोपियों के खिलाफ 376 में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। आरोपी लगातार महिला को धमका रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से हमसाज हो गई है। कार्रवाई ना करने से नाराज पीड़िता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। स्कूलों में शिक्षा देने वाले शिक्षक विशेष समुदाय के बच्चों को बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों से अपमानित करा उनकी पिटाई करा रहे हैं। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां एक टीचर एक मासूम बच्चे को दूसरे मासूम बच्चों से पिटवा रही है। सोशल मीडिया पर यह शर्मनाक वीडियो हुआ वायरल। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय का किया घेराव, जिसमें हजारों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। किसान नेताओं ने बिजली, पानी, सड़क, आवारा गोवंश की समस्या को लेकर आंदोलन किया। इस घेराव में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के मंडल अध्यक्ष राजकुमार तोमर, जिला अध्यक्ष सोनवीर सिंह के अलावा सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। विमेर कॉम्प्लेक्स में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। एक दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ी आग बुझाने में लगी। आग बुझाने के दौरान ब्लास्ट होने से 2 फायर फाइटर गंभीर रूप से घायल। बिजली का मोटर ठीक करने ट्यूबवेल बोर में उतरे 3 किसानों की मौत हो गई। मौत का कारण कुएं में फैली जहरीली गैस बताई जा रही है। सीएम ने मृतकों के परिवार को 5 लाख के मुआवजे देने की घोषणा की। अवैध कटान से परेशान हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा ने प्रभारी संजय जायसवाल को 72 घंटे का ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार उच्च अधिकारियों और थाने में अवैध पशुओं के कटान को लेकर तहरीर दी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अवैध पशु कटान चल रहा है। जमुना खंड इंटर कॉलेज के पास जो बाजार को गली जाती है, उसमें 3 से 4 दुकानें हैं। ऊपर कोर्ट पे भी 4 से 5 दुकानें हैं। बदबू मारती है, बच्चों को शिक्षा, जो बच्चे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं वहाँ से गुजरते हैं, ये सही नहीं है। इसमें पूर्व में भी तप्पल थाने में तहरीर दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीयूष गुप्ता की देखिए अगली खबर। हाल ही में एक कबाड़ी की दुकान पर सरकारी विद्यालय की नए सत्र की किताबें बिकने का मामला सामने आया था। इस मामले को पत्रकारों ने उजागर कर संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन शिक्षा अधिकारी नागेंद्र चौधरी ने अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय पत्रकार के ऊपर शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने जैसा आरोप लगाने का मुकदमा दर्ज कराया। अब इस मामले में पत्रकारों के कई संगठनों ने पूरे देश भर में शिक्षा विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त कर नारेबाजी की। व्यापार मंडल ने शिक्षा अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की। कुछ वीडियोस मेरे पास भी आए हैं, जो मीडिया कर्मियों द्वारा ही उपलब्ध कराए गए हैं, और वीडियो संज्ञान में आते ही मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को तुरंत लिखित रूप से भी निर्देशित कर दिया है कि अविलंब घटना का निरीक्षण करें और वांछित आख्या जो भी हो वो दें और संबंधित के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई करें। अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश पांडे की। रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए सिद्धार्थनगर में खाद्य विभाग द्वारा लगातार मिलावटी मिठाइयों की रोकथाम को लेकर छापेमारी की जा रही है, फिर भी मिलावटी मिठाइयों पर विभाग अंकुश नहीं लगा पा रहा है। वहीं शिवम मिठाई ट्रेडर्स कारखाने पर खाद्य विभाग अधिकारियों द्वारा छापेमारी की गई, जहां साफ सफाई न होने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। इस दौरान मिठाइयों में इस्तेमाल पैमोलिन रिफाइंड तेल का सैंपल जाँच के लिए लिया गया।
हाँ, कमियों में जो है इन्होंने रिफाइंड का प्रयोग करते हुए सूजी और मिल्क पाउडर बनाते हुए मिठाई पाई गई है, जिस वजह से 4 नमूने संग्रहित किए जा रहे हैं। अब इसमें कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और उस मिलावटी मिठाइयों का बहिष्कार नहीं करेगी, तब तक इसमें रोक लगाया जाना संभव नहीं है। ब्रजेश राठौर की देखिए अगली खबर। शिकोहाबाद में समाधान दिवस पर अपर जिला अधिकारी अभिषेक सिंह, SDM विवेक मिश्रा, CO देवेंद्र, नगरपालिका EO सुरेंद्र प्रताप सिंह, कोतवाल समेत नगरपालिका कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान शिकायत को टीम द्वारा निस्तारण किया गया। अलीगढ़ में प्रेमी के साथ अवैध संबंधों को छुपाने के उद्देश्य से मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। घटना में आरोपी चाची और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि परिवार ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस टीम ने CCTV कैमरे खंगाले, जिसमें एक फुटेज में बच्ची को आरोपी चाची के साथ जाते हुए देखा गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि प्रेमी से अवैध संबंध छुपाने के उद्देश्य से उसने बच्ची की हत्या की। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सूचना मिलते ही तहरीर प्राप्त कर थाना अतरौली में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम और थाने की फोर्स को एक्टिवेट किया गया जांच पड़ताल करने हेतु। CCTV कैमरा खंगाले गए, जिसमें एक कैमरा में उक्त बच्ची को अपनी चाची के साथ जाते हुए देखा गया। इसी क्रम में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उक्त महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने अवैध संबंध छुपाने के उद्देश्य से बच्ची की हत्या कर दी है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी निशानदेही पे बॉडी को और आलाकत्ल को बरामद कर लिया गया है। बॉडी के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। स्कूल से अपनी बहन के साथ घर लौट रहे 6 साल के बच्चे को 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया। पुलिस की सक्रियता के चलते 3 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। SP MP सिंह ने घटना की दी पूरी जानकारी। जल्दी होगी गिरफ्तारी। दो आदमी है, जानते हो उनको? वो तुम्हारे में थे, उन्हें जानते थे, तुम्हें ले गए तो उन्हें जानते थे आप? नहीं जानते। कहा कह रहे तुम थे? कहा कह रहे वे? क्या कह रहे थे आपसे? भानु प्रताप सिंह उर्फ देव नाम का बच्चा है, जिसकी उम्र करीब 6 साल है। ये आज स्कूल से अपनी बहन के साथ स्कूल से लौट रहा था। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा इसको उठाया गया और सौभाग्य से सूचना पुलिस को जल्दी मिली और पुलिस इसका पीछा करना शुरू कर दी। इसमें इन लोगों ने जो बच्चों को उठाए थे, इन लोगों ने बच्चे को भोगांव के पास छोड़ दिया और आगे चले गए। हमारी पुलिस टीम लगातार ट्रैक कर रही थी, बच्चे को सकुशल बरामद कर ली है। अपराधियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं, जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार करेंगे। और अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। राष्ट्र रक्षा सूत्र का दिव्य आयोजन हुआ। इस समारोह में मथुरा विद्यालयों, सामाजिक संस्थानों और विविध प्रांतों से रक्षा सूत्रों को इकट्ठा करके संविद गुरुकुलम की बेटियां भारत के विभिन्न सीमाओं पर सैनिकों की कलाइयों को सुशोभित करेंगी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने उद्बोधन किया। यात्रा का उद्देश्य एक ही है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि ये समाज के हृदय में बैठे। बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी होते हैं, उनके बालपन से विद्यालय के आंगन में जब राष्ट्रभक्ति का संस्कार उनको प्राप्त होता है तो वो राष्ट्रहित भले ना कर पाए लेकिन वो देश का के प्रति द्रोह कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि सीमा पर खड़े हुए हमारे सैनिकों के लिए रक्षा सूत्र जा रहे हैं और हमारे पूरे क्षेत्र के विद्यालय जितने हैं वो सब रक्षा सूत्र भेज रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इन स्टूडियो के साथ।